नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का बेहद खास प्रोग्राम मदरहुड मंत्रा। दोस्तों, हमारे एक दर्शक ने पूछा है कि प्रेगनेंसी में अश्वगंधा हम खा सकते हैं या नहीं, तो चलिए आज इसका जवाब आपको देते हैं और आपको बताते हैं कि प्रेगनेंसी में अश्वगंधा अगर आप खा रही हैं तो ये कितना सेफ है और कितना नहीं। प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की जड़ी बूटी को खाना, देखिए, एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी जड़ी बूटियां होती हैं, ये इनकी तासीर गर्म होती है और गर्म तासीर जब हम प्रेगनेंसी में खाते हैं तो ये गर्भपात को बढ़ावा देती है, यानी एबॉर्शन का बहुत खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी अश्वगंधा प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाना है। जी हाँ, देखिए, वैसे तो अश्वगंधा के बहुत फायदे हैं। ये आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, साथ ही ये स्ट्रेस को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और मेल्स के लिए तो ये बहुत फायदेमंद है। एनर्जी बढ़ाता है, स्टेमिना उनका बढ़ाता है। लेकिन दोस्तों, एक प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज़ होती है ना जो बहुत ही एक सॉफ्ट होती है, बहुत ही कोमल होती है, यहाँ पर फूक फूक के कदम रखना होता है। तो ऐसे में अश्वगंधा जो होता है तासीर का गर्म होता है, आपको बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में इसका सेवन नहीं करना है। अगर आप इसे प्रेगनेंसी में सेवन करती हैं तो ये काफ़ी सारे आपके रिस्क फैक्टर को बढ़ा सकता है, जिसमें से मिसकैरेज एक है। मिसकैरेज होने का बहुत संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा देखिए, अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है जो पीरियड, जिनके डिले पीरियड्स होते हैं ना, उनको दिया जाता है कि उनके पीरियड्स रेगुलेट हो। ऐसे में अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान इसे खाएंगे तो पीरियड्स आने के चांस है। इसका मतलब ये है कि इससे मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि ये तासीर का गर्म होता है। वैसे तो ये जड़ी बूटी ओवरऑल फायदेमंद है, इसीलिए आप प्लीज़ इसे अपनी प्रेगनेंसी जर्नी में ना खाएं। देखिए, अश्वगंधा में जो फायदे आपको मिल रहे हैं, ये कि आप नेचुरल फ्रूट्स वेजिटेबल से लीजिए, जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा है। अश्वगंधा को आप जब आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी कंप्लीट हो जाए तब आप ले सकती हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप इसे ना ले। मैं तो ये बोलती हूँ किसी भी तरह की जो जड़ी बूटी है इस दौरान आप अपने डॉक्टर से सलाह करें बिना बिल्कुल ना ले। अगर आप उसे लॉन्ग टर्म से लेती आ रही हैं, आपका एक बहुत लंबा सा प्रोसेस चलता आ रहा है, तो एक बार आप डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें और तभी आप उसे अपनी डाइट में शामिल करें। लेकिन अगर आप इसे चाह रही हैं कि प्रेगनेंसी में इसके फ़ायदे मिले, तो देखिए, अभी आप कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, प्रेगनेंसी में अश्वगंधा ना लें तो ही आपके लिए अच्छा है। एक बार आप अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, लेकिन हमारी राय में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप अश्वगंधा ना लें, जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए सही है, क्योंकि ये तासीर का गर्म होता है और ऐसे में मिसकैरेज की अगर संभावना बढ़ जाती है, और जिनको रेपिटेडली मिसकैरेज होता है, जिनकी हिस्ट्री रही है, तो वो तो बिल्कुल भी ना लें अश्वगंधा। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अश्वगंधा प्रेगनेंसी में लेना सेफ है या नहीं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अच्छे अच्छे और बहुत सारे कमाल के वीडियोस हम आपके लिए लाने वाले हैं, जो आपको सिखाएंगे भी और जो आपको काफ़ी सारी हेल्प करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आप एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और लोगों की भी हेल्प हो सके अगर आप एक शेयर करते हैं तो।